आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल कटे हुए पालक, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। पालक की हमें सिर्फ पत्तियां चाहिए, डंठल नहीं। और एक छोटा चम्मच मीट मसाला, दो से तीन हरी मिर्च, दो टमाटर, कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, धनिया और जीरा। इन सबको चाहे आप ड्राई रोस्ट करके तब पीस सकते हैं या फिर एक साथ मसाले में भी पीस सकते हैं। दो प्याज, 6 से 7 कलियां लहसुन, एक छोटा पिंच अदरक, 250 ग्राम पनीर जिसे क्यूब में कट कर लिया है। सबसे पहले हमें पालक को बॉईल करने के लिए रखना है सिर्फ एक भाप आने तक, जैसे कि इसका खारापन दूर हो जाए और ये अच्छा सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने रख दिया है, तो इसे अच्छे से ढक करके थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, बस इसमें हल्का सा बॉईल आने तक। ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। ये मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, टमाटर इन सभी को ले लिया ग्राइंडर जार में, और खड़े मसाले में तेज पत्ता छोड़ के बाकी सब हम इसमें डाल देंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बनकर रेडी है। ये देखिए पालक अच्छे से बॉयल हो गया। हमें बहुत ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और फिर अब इसका पेस्ट बना लेंगे। पैन मैंने चढ़ा दिया है, अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, मस्टर्ड ऑयल और तेजपत्ता, इसे तड़का देंगे। फिर अब इसमें अपने मसाला जो ग्रेवी बनाया था उसको डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर भून देंगे जिससे कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर हम इसमें मसाले और पालक की ग्रेवी को ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे सीजनिंग के लिए, जैसे कि हमारा मसाला इससे जल्दी भून जाता है नमक डालने से। देखिए थोड़ा सा प्याज भून रही है, प्याज तेल छोड़ने लगा है सब से, थोड़ा सा इसे बस 60 सेकंड तक और पकाना है। देखिए ये प्याज अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें पालक की ग्रेवी, पालक का पेस्ट डालेंगे। मसालेदार सब्जी का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी मसालेदार सब्जी बनाए तो उसके मसाले खुद अच्छे से भुनने चाहिए, तभी उसका टेस्ट आता है, वरना कोई भी टेस्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये प्याज को भी हमें अच्छे से पकाना है जैसे कि उसका मीठापन खत्म हो जाए। देखिए बढ़िया सा ग्रीन कलर आ गया है, हमें इसे इसे करीब 5 मिनट के लगभग इसे पक। देखिए पालक अच्छे से इसमें बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब ये पालक हो गई है। अब थोड़ा सा मसाला भी लगने लगा है पेंडी पर, हमें कढ़ाई पैन पर, इसलिए अब ये हो गया है और इसमें शाइन भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब आधा ग्लास तक पानी डालकर थोड़ी देर तक रख देंगे, पनीर में अच्छे से सीज जाए इसकी ग्रेवी। इसे 5 से 10 मिनट के लिए हमें ढक कर पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं इसे। देखिए अच्छे से हो गया, इसमें साइड साइड तेल भी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये सब्जी हमारी रेडी है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, गैस ऑफ करके इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारा पालक पनीर बनके रेडी है, इसे मैंने क्रीम से गार्निश किया है। आप इसे किसी भी रोटी, नान या फिर तंदूरी रोटी किसी के भी साथ खाएंगे, ये हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।